she was a very beautiful athlete and say she had two eyes also. और वो रेप्लिका बताई जाती है रूपमती एंड बगेने की. तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रसीद और रसीद ब्लॉग में आपका स्वागत है. और आज मैं आपको लेकर आया हूं ओरछा. और आज मैं ओरछा में आपको दिखाने वाला हूं भूल भुलैया फिल्म की शूटिंग लोकेशन, जो कि अनीस बजमी के डायरेक्शन में बनी हुई. और इसकी लागत की बात की जाए, इसके बजट की बात की जाए, तो 1,50,00,000 की ये फिल्म है. तो इसको देखते हैं, हम आगे चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं महल के अंदर. तो काफ़ी सारे सीन यहाँ पर लिए गए थे और यहाँ पर 1.5 महीने शूटिंग चली थी. तो आइए हम दिखाते हैं वो सीन के कहाँ कहाँ इसमें शूटिंग ली गई थी. तिप्ति, कार्तिक, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान का कैमियो रोल हमें देखने को मिला है. और यहाँ पर इसमें जो उनके दोस्त थे कार्तिक के दोस्त का किरदार निभाया, जिन्होंने उनका नाम है यूट्यूबर अरुण कुशवाहा, जिनके यूट्यूबर 1,000,000 सब्सक्राइबर हैं. और उन्होंने देखिए बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें, उनका चेले का किरदार निभाया है, कैरेक्टर निभाया है. देखिए क्या होता है कि जो लोग एक कहानी इस तरीके से है कि जो लोग एक दोस्त थे दोनों, इनके पास काम नहीं था तो इनने क्या करा कि एक काम करो, अपन जादूगर आत्माओं से बात करने लगो, यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे. इन्होंने एक छू छक्का करा डायरेक्टली, जो चेला होता है उनका साथ देता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ में यानी आत्माओं से बात करने लगते हैं, तो लोगों को गुमराह करने लगते हैं. फिर ये दोनों उन लोगों को पता चलता है, धीरे धीरे वायरल होने लगते हैं, काफ़ी शहरों में इनके चर्चे होने लगते हैं कि ये लोग आत्माओं से बात करते हैं. छोटे मोटे लोग और भी लोग इनको बुलाने लगते हैं, पूजा पाठ कराने लगते हैं. फिर विजयराज को पता चलता है, जिनकी ये हवेली होती है, तो वह शहर से गाँव की तरफ यहाँ पर यानी ओरछा की तरफ लाते हैं अपनी हवेली में, कि हमारे यहाँ मंजलिका का भूत है, जो कि हमारी भांजी थी, आज से 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई, तो उसकी हम फोटो देंगे आपके लिए और उसकी आत्मा को बुला करके बात करो. तो ये लोग इनको 1 करोड़ की लालच दे करके यहाँ पर लाया गया है. अगर हमारी हवेली बिक गई तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, वो भूत भगाना है. तो ये लोग फिर आते हैं गांव की तरफ यानी ओरछा के अंदर, फिर यहाँ पर वो सीन रिकॉर्ड होते हैं. तो वो सीन हम आपको दिखाने वाले हैं, आइए हम चलते हैं लेके ओरछा की तरफ, उस किले के अंदर, जहांगीर महल के अंदर. हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या है. काफ़ी भीड़ लगी हुई है, कार देखिए बहुत शानदार रखी हुई है. और ये है जहांगीर महल, जहां पर हुई है भूल भुलैया 3 फिल्म की शूटिंग लोकेशन. तो आज को हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में, चलते हैं आगे की तरफ. देखिए और काफ़ी गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं. किस किस जगह पर शूटिंग हुई है तो हम चल के आपको बताते हैं. हम आपको लेकर चल रहे हैं ऊपर की तरफ और जहांगीर महल आपको दिखाएंगे, जहां पर वो फिल्म की शूटिंग हुई है. तो वहां पर हम देखिए आपको लेकर चलते हैं और आपको वो सीन मैच कराते हैं कि जहां पर वो, ये देख सकते हैं आप यहां का नज़ारा. काफ़ी शानदार नज़ारा है, यहां का व्यू काफ़ी शानदार है. तो ऊपर लेकर चलते हैं और वो देखिए जहांगीर महल, काफी शानदार जो नज़ारा है यहाँ का. और इस तरफ से हम चलते हैं, ऊंचाई पे बना हुआ है और ये देख सकते हैं आप यहाँ से. और यहाँ पर रास्ता भी है, देखिए गाड़ी यहाँ पर आ जाती है. और ये रेस्ट हाउस बना हुआ है, होटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. हम चलते हैं अंदर, देख रहे हैं ये होटल शीश महल है, शीश महल इसका नाम है होटल का. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, और टूरिस्टों के लिए यहाँ पर बनाया गया है, जो रुकना चाहता है विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पर रुक सकते हैं.
आपने देखा होगा। तो चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीन यहाँ से लिया गया था, रात का सीन था, नाइट का, और इस तरीके से यहाँ पर लाइटें लगाई गई थी, तो महल चमकता है पूरा, देख सकते हैं आप इस जगह को। तो ये पूरा सीन आता है और यहाँ का व्यू आता है, देखिए इसी तरीके से व्यू आता है पूरा। तो ये नज़ारा होता है रात का जीने पे से ऊपर। तो ये देखिए सारा पत्थर का बना हुआ है, ये ग्रेल भी पत्थर की है, इसमें काफ़ी शानदार। देखिए आज जो स्टील की लोहे की ग्रेल आ रही है, लेकिन वो पहले पत्थर की है जो कि अभी लगी हुई है, और शानदार इस पर नक्काशी की गई है, और बहुत ही ऊपर जाना पड़ रहा है हमें। अब हम आ गए हैं अंदर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। ये नज़ारा है देखिए यहाँ का, काफ़ी शानदार नज़ारा है, और फोटो शूट भी चल रहा है यहाँ का। तो बहुत ढूंढने के बाद एक शॉट मिला है मुझे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से कैमरा एंगल लगाया गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो शॉट। और यहाँ पर देखिए पूरा सेटअप जो है बम्बई से मंगवाया गया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो चेयर है जो कुर्सी यहाँ पर रखी हुई है, एक कुर्सी मैं आपको दिखाऊँगा, सिर्फ वो है यहाँ पर, और पूरा खाली डला हुआ है, पूरा खाली है। जितना भी सेटअप आया था पूरा बम्बई से आया था, और बहुत सारी यहाँ पर बैरिटी वैन और सामान वाली गाड़ियाँ बहुत आई थी यहाँ पर, 1.5 महीने शूटिंग चली थी पूरी। तो आइए हम वो आपको दिखाते हैं मैच करा के सीन। देखिए यहाँ पर कुछ गार्ड खड़े रहते हैं उनके पीछे, और यहाँ पे गाना का एक शॉट है, तो वो यहाँ पर देखिए मैं आपको मैच करा के दिखा रहा हूँ। पहले ये किला दिखा देता हूँ, देखिए मेरे पीछे देखिए बहुत ही बड़ा किला है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, वहाँ पर भी फ़ोटो शूट चल रही है, तो काफ़ी शानदार ये किला है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मैच करा के, और ये पीछे दिख रहा जाली है, यहाँ से भी ठंडी हवाएँ आती हैं। दोस्तों एक शॉट यहाँ से लिया गया था, देखिए थोड़ा जूम करके लिया गया था, जो वाइट कपड़ों में जो लेडीज दिख रही है वहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है, तो वहीं पर वो खड़े हुए थे कार्तिक आर्यन। और यहाँ पर देखिए ये खिड़कियाँ जो दिख रही हैं आपको पीछे दीवार के, वो भी आप मैच कर सकते हैं महल की, इसी तरीके से वो सीन रिकॉर्ड किया गया था। और जो गोल छतरी है बड़ी वाली गुम्बद है, उसके पीछे जो छोटी सी छतरी लगी हुई है वहाँ पर, ये भी आप मैच कर सकते हैं, तो इसी तरीके से देख सकते हैं आप। और इसी जगह पर वो सीन लगाया गया था, मैंने स्क्रीन शॉट लगा दिया है, तो देख लीजिए यहीं पर इसी तरीके से वो सीन फिल्माया गया था। सीन यहाँ से रिकॉर्ड किया गया था, इस जगह से रिकॉर्ड किया गया था, आप देख सकते हैं ये छतरियाँ मैच कर सकते हैं, और देखिए जो गुम्बद बनी हुई है ये भी देख सकते हैं, और जो छोटी छोटी गुम्बद हैं ये भी मैच कर सकते हैं। इसी जगह पर देखिए मैंने स्क्रीन शॉट लगा दिया है, तो काफ़ी 2-3 एंगल से इसी जगह पर सीन लिए गए थे, तो आप देख सकते हैं मैच कर सकते हैं इसी जगह को। और काफ़ी सारे सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, गाना भी रिकॉर्ड हुआ है, तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके का नज़ारा है, देखिए पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देख सकते हैं शानदार नज़ारा है यहाँ का। और जहांगीर महल बनाया गया था, देखिए दतिया में भी एक जहांगीर महल है, और जहांगीर के लिए ही बनाया गया था, उनकी दोस्ती थी यहाँ पर बहुत ही पुरानी, तो उनने दोस्ती की मिसाल के लिए कि हमारे दोस्त आ रहे हैं यहाँ पर आराम करेंगे रुकेंगे, तो लेकिन यहाँ पर आए नहीं थे वो, तो इसलिए ये देख सकते हैं दतिया का महल, और ये महल सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बीच में जो डिज़ाइन दी गई थी वो अलग है, बाकी जो कोने हैं यहाँ के वो सारे एक से हैं। यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं सीन मैच करने की, तो यहाँ पर तो कुछ सीन मिले नहीं है, जो मिले हमने वो आपको दिखा रहे हैं, और बाकी कुछ जी वाली हिस्सा चल गया। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं, और ऊपर की तरफ देखिए ऊपर का नज़ारा इस तरीके से है कुछ। ये वो चेयर है जिसको दिखाया गया है, अभी सीन मैच नहीं हो पा रहा, देखिए यहाँ पर इस चेयर को वहाँ पर सेटअप लगाया गया था, यहाँ से देख सकते हैं आप, डिज़ाइन मैच कर सकते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगा दिया है। तो राजपाल यादव जब आते हैं तो पीछे ये चेयर दिखती है, ये चेयर यहीं पर रखी हुई है, मगर वहाँ पर शूटिंग में इस्तेमाल इसको किया गया है। इस तरीके से लिया गया था, पीछे से लिया गया था, डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये गार्डन जो बना हुआ है छोटा सा, इसको डिज़ाइन देख सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने क्रेन से लिया गया था, ड्रोन से,
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से धीरे धीरे उठ करके जाता है। तो ये पीछे का बैकग्राउंड सीन है, देखिए पूरा महल दिखाया जाता है, ऊपर ले जाते हैं कैमरा तो बस्ती भी दिखाई जाती है यहाँ पर। तो ये आप मैच कर सकते हैं और काफ़ी शानदार ये नज़ारा आता है यहाँ का। कुछ सीन यहाँ के नाइट में भी शूट किए गए थे, कुछ दिन में सीन किए गए थे शूट, तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार यहाँ का नज़ारा। देखिए इस तरीके से पीछे से लिया गया था सीन, तो ये सीन कई बार लिया जाता है, 2-3 बार आता है फिल्म के अंदर। और मैं आपको बता दूं, ये जो हवेली थी, पुरानी हवेली, उनकी पुश्तैनी हवेली थी, तो इसको बेचने के लिए वो आते हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं कि 1 करोड़ की लालच में आ जाते हैं वो यहाँ पर बाबा बनकर, कि आत्माओं को भगाते हैं हम। तो इस तरीके से यहाँ पर वो आते हैं और देखते हैं कि एक कमरे में कैद है आत्मा, तो इसी जगह पर इसी कमरे में कैद होती है, और इस आत्मा को वो भगाएंगे ताकि जब ही वो हवेली बिक सकती है और 1 करोड़ रुपये कार्तिक आर्यन को जो है मिल सकेंगे। तो इसीलिए वो बाबा का ढोंग करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनके चेले का जो रोल करते हैं अरुण कुशवाहा, तो वो भी यहाँ पर आते हैं, दोनों साथ में मिलकर के आते हैं शहर से यहाँ गांव की तरफ। तो जब जाके वो यहाँ पर इस हवेली में से भूत भगाने का नाटक करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो आइए और भी सीन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये फोटो देख सकते हैं आप, शानदार नजारा है यहाँ का। सीन यहाँ से लिया गया था, रात का सीन था, नाइट का, और इस तरीके से यहाँ पर लाइटें लगाई गई थी, तो महल चमकता है पूरा, देख सकते हैं आप इस जगह को। तो ये पूरा सीन आता है और यहाँ का व्यू आता है, देखिए इसी तरीके से व्यू आता है पूरा। तो ये नज़ारा होता है रात का, और हम चलते हैं आगे की तरफ दूसरी जगह, और आपको दिखाते हैं दूसरी जगह की लोकेशन, जो कि नदी की छतरियाँ थी। हम चलते हैं छतरियों की तरफ, छतरी में नदी की साइड में जो राजा की छतरियाँ बनी हुई हैं, तो उस तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सीन फिल्माया गया था, एक दो सीन यहाँ पर फिल्माए गए थे, कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है, जैसे रावण फिल्म की भी सीन यहाँ पर लिए गए हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, और नदी के यहाँ से लिए गए थे, तो वो सीन हम आपको मैच करा के दिखाते हैं। और नज़ारा देखिए काफ़ी सुंदर है, और जब तक यहाँ पर छतरियों का सीन नहीं लिए जाते, तो ओरछा पर शूटिंग नहीं मानी जाती है। ख़ास तौर से अगर फिल्म का सीन ओरछा के अंदर है, तो छतरियों में ज़रूर दिखाया जाता है, ये छतरियाँ ज़रूर दिखाई जाती हैं। तो ये पुराना पुल है, देखिए यहाँ पर सिंगल वाला, और यहाँ से अब नया पुल बना दिया गया है, ब्रिज बहुत ही शानदार। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, और हम आ चुके हैं नदी की तरफ। तो ये पुल देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक शॉट लिया जाता है नदी में इस तरीके से। यहाँ पर देखिए काफ़ी महिलाएं नहा रही हुई हैं, काफ़ी लोग नहा रहे हैं, उनका मानना होता है यहाँ पर नहाने से सारे दांत खाज खुजली सब, इसको घाट मानते हैं वो लोग, तो यहाँ पर सब शुद्ध हो जाते हैं दोबारा नहाने से। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक शॉट लिया जाता है, ये पीछे देख रहे हैं टेम्पल। तो यहाँ पर देखिए मैं मैच करा के आपको दिखाता हूँ, नाइट का सीन होता है, रात में सीन शूट किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से कैमरा एंगल लगाया जाता है, ये पेड़ भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पर एक जो चंदा होता है, चांदनी होती है, उससे देखिए उजाला होता है, पानी दिखा रहा है, और यहाँ से वो सीन लिया गया था, इस तरीके से सीन लिया गया था, नाइट का सीन होता है, नाइट में सीन शूट होता है, तो यहीं से रिकॉर्ड किया गया था, इसी जगह से देख सकते हैं आप। ये जो राजा की छतरियाँ दिखा रही हैं, और ये बताते हैं छतरियाँ इसलिए थी कि राजा यहाँ पर नदी का जो है कि आनंद ले सके, यहाँ पर बैठ कर के नज़ारा ले सके, इसलिए ये मंदिर नहीं है। कोई समझता था, मैं भी पहले ये समझता था कि टेंपल है, मगर ये टेंपल नहीं है, टेंपल की डिज़ाइन में इसको छतरियाँ बनाई गई हैं ये, ताकि राजा यहाँ पर बैठ के और रानी के साथ में भी ये नज़ारा देख सकें, ये व्यू देख सकें, जो नदी का व्यू है। और क्लोजअप शॉट में आपको वहाँ से दिखाऊँगा, तो आप वहाँ पर मैं चल के दिखा रहा हूँ, और सीन आप मैच कर लीजिए इस तरीके से। तो ये नदी का व्यू है, देख सकते हैं,
और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा देता हूँ तो इस तरीके से ये नदी का भी व्यू आप देख सकते हैं, ओरछा नदी का व्यू। और ये देखिए मंदिर भी दिख रहा है, नज़ारा शानदार है, और जहांगीर महल भी है। और इस तरीके से ये देखिए काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो दोस्तों हम उस तरफ से चल के हमने आपको दिखाया था, अब हम इस तरफ आ चुके हैं। अब हम क्लोजअप शॉट में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये टेम्पल पीछे से दिखते हैं, और यहीं पर वो सीन लिया गया था जब विद्या बालन यहाँ पर आती हैं और ये जीना चढ़ते हुए यहाँ से उस तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर रात में जो सीन लिए गए थे, रिकॉर्ड किए गए थे रात के सीन, बहुत सारे सीन नाइट के थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया 1.5 महीने यहाँ पर शूट चला था। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे छतरियाँ जो हैं दिखाई गई थी उसमें। तो आइए हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर एंगल लगाया गया था। तो कैमरा एंगल इस तरीके से लगाया गया था, आप देख सकते हैं इस तरीके। देखिए यहाँ पर जो कोने के पास में जो दिखती हैं माँ विद्या बालन यहाँ पर खड़ी रहती हैं रात में, जो आती हैं एकदम से आत्मा बन करके वो आती हैं, तो यहीं पर खड़ी रहती हैं। और इस तरीके से कैमरा लगाया गया था, तो देख सकते हैं आप। और ये पेड़ नहीं दिखता है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे क्लोजअप शॉट लेते हैं वो जितने उनको चाहिए पड़ते हैं, तो इसी तरीके से लिए जाते हैं। यह टेम्पल की डिज़ाइन में जो आप छतरी देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से। और एक सीन यहाँ से लिया गया था इस तरीके से, देख सकते हैं आप। ये दोनों जो हैं गुम्बद देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये दोनों गुम्बद दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से दोनों छतरियाँ दिखती हैं और यहाँ से शूट किया जाता है इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और यहाँ पर रावण फिल्म की भी शूटिंग हुई थी, और झांसी वाले एक सीरियल करके आता था, तो उस तरीके से यहाँ पर एक उसकी भी शूटिंग हुई थी। ऐसी कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है, काफ़ी नज़ारा काफ़ी सुंदर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें और ऐसी वीडियो देते रहें। तो मिलते हैं नई जगह नई लोकेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।